So hello guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल मिस्टर जज़ीर फायर। फिर से बहुत जैज़ी बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो बाबा जी, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे फ्री फायर के करैक्टर्स के बारे में। यार आप लोग एक बात तो पता चल गई होगी कि हमारे यहाँ पर कुछ फ्री फायर के ओल्ड करैक्टर्स जो हैं यहाँ पर रिमूव होने वाले हैं। तो बाबा जी आज की वीडियो में सबसे पहले आप लोग को बता दूँ कि बहुत शॉर्ट होने वाली है। उसकी वजह ये कि जो हमारे पास टॉपिक है आज की वीडियो का, ये है भी शॉर्ट सा, इसको बंदा चाह के भी खिंच तू के भी लम्बा करने की कोशिश करे नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारी आज की वीडियो शॉर्ट ही होने वाली है और ये सैड न्यूज़ है मेरे लिए। खैर तो यार आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग को तो पता चल गया होगा कि फ्री फायर यहाँ पर हमारे ओल्ड करैक्टर्स को रिमूव कर दी है, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता होगा कि उसकी वजह क्या है। तो यार यहाँ पर फ्री फायर यहाँ पर जो हमारे ओल्ड करैक्टर्स हैं उनको लाई तो जा रही है, मतलब यहाँ पर हमारे आए दिन हर ओबी अपडेट के बाद और या फिर अभी ये जो हमारे यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर है इसके बाद यहाँ पर फ्री फायर अनाउंस करने जा रही है कुछ नए करैक्टर्स। तो यार यहाँ पर फ्री फायर नए करैक्टर्स तो अनाउंस करती जा रही है, लेकिन यहाँ पर उनके स्किल्स यूज़ करने के लिए जो है बाबा जी हमारे पास स्लॉट्स नहीं है। तो फ्री फायर यार कितनी को स्लॉट देते हैं आप लोग को पता। फ्री फायर को मेरे ख्याल में खुद भी इस चीज़ का जो एहसास होने लग गया है कि उन्होंने गेम को ऑलरेडी जो है इतना अनबैलेंस कर दिया हुआ है कि मतलब चीज़ें समझ से बाहर हुई हैं। अब आप लोग खुद देखो, आप लोग जाते हो करैक्टर सेक्शन में, वहाँ पर जाकर के आप लोग अगर फॉर एग्जांपल आप लोग रूम खेलने जाते हो तो आप लोगों ने वहाँ पर अब आप लोग बेसिकली कौन से करैक्टर के स्किल्स यूज़ करोगे। आप लोग एक यहाँ पर जो है मूवमेंट स्पीड उसकी यूज़ करोगे, कैली की, उसके अलावा यहाँ पर स्काइलर यूज़ करोगे और उसके साथ आप लोग का जो एक सूटेबल कोई करैक्टर होगा वो यूज़ करोगे। लेकिन एक मतलब यार आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इतनी सारी स्किल्स अपने सामने देखे के बावजूद थे बंदा उनके ही स्किल है। तो यार इसकी वजह से मेरे ख्याल में फ्री फायर यहाँ पर जो है कुछ करैक्टर्स एलिमिनेट कर रही है, एलिमिनेट से मुराद की कुछ करैक्टर यहाँ पर फ्री फायर निकाल रही है। और यहाँ पर हम लोग को जो न्यूज़ मिल रही है यार, आपके भाई के पास जो न्यूज़ डायरेक्ट आती है वो भी आपके भाई बताते हैं, जो न्यूज़ किसी और चैनल के थ्रू आती है तो इसका क्रेडिट बावजूद जाता है पॉप गेमर को। मुझे नहीं था पता कि यहाँ पर हमारे ओल्ड कैरेक्टर्स रिमूव होने वाले हैं, लेकिन मैंने पॉप गेमर की वीडियो देखी तो वहाँ से मुझे पता चला। तो यार उसके मुताबिक यहाँ पर हम लोग को एक चिप वाले सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू यहाँ पर आप लोग के पास जो कैरेक्टर्स है वो तो रिमूव हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोग के पास वो चिप रहेगी। मतलब चिप से मुराद अगर आप लोग को उस बंदे का कोई, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग को किसी कैरेक्टर की एबिलिटी चाहिए तो आप लोग को एज ए चिप की सेक्शन वगैरह बनेगा, किस तरह की चीज़ बनेगी वहाँ पर आप लोग एक चिप की सूरत में आप लोग को जो है स्किल उसकी मिलेगी और आप उसको जिस कैरेक्टर पर लगाना चाहो लगा सकते हो। और मेरे नज़दीक बाबा जी डजन मेक सेंस। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई सीन आने वाला। अगर फ्री फायर यहाँ पर अगर कैरेक्टर्स को रिमूव करिए तो टोटली उनके स्किल्स के समेत उनको रिमूव करेगी, वरना यहाँ पर कैरेक्टर्स को रिमूव करने के बाबा जी कोई तुक नहीं बनता। तो यार ये मेरा यहाँ पर शॉर्ट सा आप कह लो कि एक ओपिनियन था और जो मुझे लगता था मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। अब आप लोग बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर फ्री फायर जो करैक्टर्स रिमूव करी, पहली बात तो आप लोग बताओ कि फ्री फायर वाकई में आप लोग लगता है करैक्टर्स रिमूव करी है या फिर नहीं। अगर करिए तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्या लगता है बाबू जी कि यहाँ पर क्या वजह हो सकती है। मुझे जो वजह यहाँ पर नजर आई मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि फ्री फायर यहाँ पर जो है चीज़ों को मिनिमल या फिर मिनिमाइज़ करना चाह रही है और यहाँ पर गेम को थोड़ा बहुत बैलेंस करने की फ्री फायर कोशिश करिए, गरीना कोशिश करिए कि यहाँ पर फ्री फायर को कुछ बैलेंस किया जाए। तो मेरे नज़दीक बाबू जी यही वजह है कि फ्री फायर जहाँ पर ओल्ड करैक्टर्स हैं मुझे नहीं लगता कि जिनकी एक्टिव स्किल्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा। हाँ लेकिन जो पैसिव स्किल्स और ऐसे करैक्टर्स हैं जहाँ पर मुफ्त में मिले थे या फिर यहाँ पर हर बंदे के पास